अरे अरे एक एक सेकंड है, एक अरे और क्या हो गया मेकअप थोड़ी सारी में हो मेकअप मेकअप पे जाने आई क्या बोल रहे हैं अभी इंग्लिश जो अतुल का कैमरा है अरे और फिर एग्जिट डोर की तरफ जो होता मेन डोर है ये वो साइड डाल ले चल चल सर बाकी सब आगे के घर जाइए प्लीज Yeah, but it's not good.
बिल्कुल सही फैसला लेंगी। इन्हें बस स्वाद से पता चल जाएगा कि खाना अच्छा बना या बुरा बना। बेगम साहबा, देखिए मैं जानती हूँ आप चाहेंगे कि सनम जी थे, लेकिन प्लीज एक फेयर डिसीजन लीजिए। इन लोगों नहीं चलना है, योर जस्ट योर गिवनेस योर थिंग या एंड फॉर डूइंग आज अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। वी गॉट गुड स्नैक्स टू ईट सो फार, नाश्ता बहुत ही अच्छा था एंड आई थिंक इस फिल्म के लिए वो ज़रूरी है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फूड एंड ऑल दैट। तो सो फार सो गुड। मुझे लाइन्स याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वी जस्ट गॉट आ लाइन्स राइट नाउ आई थिंक 2 hours अगो। तो परिणीति बिकॉज शी हैज़ द मेमोरी ऑफ एलिफेंट इज हेल्पिंग मी विद एवरीथिंग। थैंक यू परिणीति। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। ये शो हमने सिर्फ टीवी पे देखा हुआ है एंड बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली उनके सेट पर आके उनके साथ शूट करना, उनके कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में जानना एंड हमारे लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म था क्योंकि हम भी एक बड़े वे में सेलिब्रेट करना चाहते थे अपनी फिल्म। हमारी फिल्म भी ईद से जुड़ी हुई है, मुस्लिम कल्चर से जुड़ी हुई है, दावतों से जुड़ी हुई है, तो ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म था हमारा म्यूजिक लॉन्च भी करने के लिए। जब आप ये शो देखेंगे तो हमारे सारे गाने प्ले होंगे। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रमोशनल प्लेटफॉर्म है हम जैसे एक्टर्स के लिए जो अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं सबको। तो आई होप यू गाइस ऑल हैव फन। इस दावत में कवाली भी बड़ी खास पेश हुई है। हाँ, उस कवाली के का क्या कहना है, जो कीकू ने कवाली सुनाई है वो कितनी एंटरटेनिंग थी आप लोगों के लिए? नो कमेंट ऑन दिस कवाली। एक्चुअली वो मेरा आइडिया था और मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो बहुत एंटरटेन हुआ था। एक्चुअली जब आपको कवाली सुनेंगे तो पीछे आदित्य गा रहा होगा। नहीं, फिर वो प्रॉब्लम हो जा। बट यू डिडंट लाइक इट परी? इट वाज ऑसम। हां, ऑसम ना? ऑसम। आप लोगों को कैसी लगी? करने वाले क्या? अच्छा, अभी ब्रीफ नहीं मिला हमें। अच्छा ठीक है, करेंगे डांस, क्यों नहीं। अच्छा, तुम डांस करने वाले इस शो पे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। वो सेम टॉकिंग अबाउट द फिल्म, परिणीति किस तरीके का कैरेक्टर है? यू नो, यहाँ पे तो हम कुछ ऐसे ही देख रहे हैं कि काफी बबली है, हैदराबादी लैंग्वेज बोलती है। आई हेट दिस वर्ड। या बबली, व्हाट अ गुड वर्ड, बबली। इट्स अ बैड वर्ड। इट्स अ ग्रेट वर्ड, यू आर बबली। आई एम नॉट बबली। मैं बबली नहीं हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ। हाफ ऑफ अ हिंदी मूवी हीरोइंस हैव हु हैव बीन कॉल्ड बबली हैव बिकम बिग स्टार्स। यार, यू आर ऑलरेडी अ बिग स्टार बट यू विल बिकम बिगर। आई एम ऑन द रोड टू सक्सेस। या वी जस्ट स्टार्टिंग नाउ। प्रीति, हमने देखा यहाँ पे दो चीजें हमने नोटिस की कि एक तो आप पान नहीं खा रही थी जी, आपने कहा कि कांट डाइजेस्ट लीव्स। मैं भी नहीं खा रहा था, नोटिस नहीं किया। डाइजेस्ट लीव्स। हां, दूसरा आपको भी कुकर बोला था, कुकर लगा रहा है। हमने सोचा कि पेड़ों को खाना अच्छी बात नहीं है एक्चुअली, तो हमने पान नहीं खाया। नहीं एक्चुअली उस टाइम हमें पता नहीं था हम क्या करें क्योंकि वो एक सरप्राइज आइटम थी सीन में, तो हमें पता नहीं क्या था। और फिर डायलॉग भी बोलने थे ना, तो अगर मुंह में पान है तो हमने कहा अभी के लिए छोड़ते हैं, बाद में पान खाने जाएंगे। और भुक्कड़, मुझे भुक्कड़ कैसे कोई बोल सकता है जब मेरे सामने आदित्य हो। अच्छा? जो खुद इतना बड़ा भुक्कड़ है। ओके ओके, ठीक है, मैं चुप हूं। बट आपके कहने पे कि वो पान बहुत टेस्टी, सारे लड़कों ने एक साथ पान खा लिया। ऐसा मेरा अफेक्ट है, ऐसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, सबने पान खा।
You say it, it doesn't become true. Almost यहाँ पे जी का पूरा परिवार है, जी के सारे शोज के सदस्य यहाँ पे, उनके साथ शूट करना वो सारी चीजें कैसा था, मतलब पूरा फैमिली माहौल, छोटे बड़े सभी सदस्य यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ यहाँ पे देखने को मिला। आप कुछ खाना भी बना रहे हैं आप लोग, कितना आपने खाना सीखा और इन सब से क्या क्या सीखा आपने? मतलब आई थिंक हमसे वो खाना बनाना ना ही सीखे तो उनका शो ज्यादा चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। Talk about yourself, मुझे तो खाना बनाना आता है। I'm going to be teaching them how to make coffee. कॉफी बनानी आती है बस। ऑमलेट बनाना आता है। ऑमलेट बनाना आता है। स्क्रैम्बल्ड एग्स। स्क्रैम्बल्ड एग्स। फ्राइड एग्स। सब कुछ आता है। अच्छा, अगर मौका मिले तो किसे दावत पे बुलाना चाहेंगे आप? दावत बुलाना फैमिली, मेरी फैमिली को। हां, दावत इश्क पर आप किसे बुलाना चाहेंगे? मैं सबको बुलाना चाहूंगी दावत, बहुत सारे लोगों को साथ, कोई भी, यू विल नॉट बी इनवाइटेड। अच्छा, थैंक यू। पूरे आई थिंक पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बुलाऊंगी मैं, सब आए दावत खाएं, दावत ऐश देखें। अच्छा, अभी बैंकरप्ट बाय द टाइम वर्ल्ड वर्ल्ड इंडस्ट्री। हाल ही में जी ने एक नया चैनल लॉन्च किया है, जी जिंदगी, जो हिंदुस्तान, मतलब पाकिस्तान के जो शोज हैं उसके हिंदुस्तान में दिखाए जा रहे हैं। ओह रियली, वाओ। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं उसे और सुधारने के लिए कोशिश की गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है, और मैं हमेशा जब मेरे से सवाल पूछा जाता है मैं एक ही बात बोलती हूँ, दुनिया में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है शाज़ेब, वो कराची से है, तो मैं तो खुद बहुत बड़ी एम्बेसडर हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो ये डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाए। तो आई एम ग्लैड, जी को बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने इतना अमेजिंग स्टेप लिया। करेक्ट, सेम फीलिंग, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट जी इज डूइंग दिस, एंड इफ दिस इज द रीजन दैट दे आर डूइंग इट देन आई थिंक इट्स अमेजिंग, बिकॉज वी नीड मोर थिंग्स लाइक दिस टू मेक पीपल गेट रिड ऑफ देयर नोशंस ऑफ हैविंग डिफरेंसेस विद पाकिस्तान। जी दखनी, जी दखनी में कुछ बोलिए ना कि 5 सितंबर को दावत देखने आइए। 5 सितंबर कैसे बोलेंगे आप? बेगानी बात नको करो के दिस इज दखनी। नहीं पर अगर देखो, हम एक आपको सीक्रेट बताना चाहते हैं कि जब एक्टर्स बोलते हैं कि हमने ये सीखा वो सीखा, वो नॉर्मली जितना स्क्रिप्ट में होता है उतना ही हम लोग सीखते हैं, नॉर्मली पूरा का पूरा आ नहीं जाता। तो जितने मेरे फिल्म में डायलॉग्स हैं वो सब मुझे दखनी में आते हैं, ओवरऑल मुझे दखनी नहीं आती। पर थिंक अबाउट इट, ये मैं खुलासा करना चाहती हूँ। तो सब मिलके सोचते ना, हाउ वुड यू हैव टू से इट कि It's a bad idea. It's a bad idea. It's a bad idea.